लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की एक और लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में कुल 9 नाम है, जिसमें से 7 नाम उत्तर प्रदेश से हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जिनके लिए काफी दिन से इंतजार किया जा रहा था, जिन सीटों पर कैंडिडेट्स का इंतजार किया जा रहा था, और कुछ सीटों पर जिनका इंतजार किया जा रहा था उनके नाम अब भी नहीं आए हैं। तो इस लिस्ट का काफी इंटरेस्टिंग नाम है और उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 2 सीटें, एक चंडीगढ़ की सीट है जहां से किरण खेर को टिकट इस बार नहीं दिया गया, उनकी जगह संजय टंडन को टिकट दिया गया है, जो चंडीगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। दूसरी सीट आसनसोल की है, जहां से पवन सिंह का टिकट काटने के बाद अब एसएस अहलूवालिया को टिकट दिया गया है। तो इन सीटों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी उस सीट पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, गाजीपुर की। 2019 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को इस सीट से चुनाव हरा दिया था। 3 बार मनोज सिन्हा इस सीट से सांसद रहे हैं, जबकि अफजाल अंसारी 2 बार इस सीट से सांसद चुने जा चुके हैं। अफजाल 5 बार मोहब्बाबाद सीट से विधायक भी रह चुके हैं। 2019 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा की हार हुई इस सीट पर, उसके बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे थे। हालांकि बाद में उन्हें उपराज्यपाल बनाकर जम्मू कश्मीर भेज दिया गया। मनोज सिन्हा को मोदी शाह का करीबी माना जाता है, विश्वस्त माना जाता है, और यही वजह है कि 370 के निष्प्रभावी होने के बाद उन्हें कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों कई बार मनोज सिन्हा के कार्यशैली की तारीफ कर चुके हैं, और कयास ये लग रहे थे कि गाजीपुर सीट पर उनकी वापसी हो सकती है। वे उपराज्यपाल से इस्तीफा देकर वापस गाजीपुर आ सकते हैं और यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर उनके बेटे को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन हाल ही में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद समीकरण बदले और चर्चा शुरू हुई कि पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय या फिर उनके बेटे पीयूष राय के नाम यहां से अनाउंस किया जा सकता है गाजीपुर लोकसभा सीट से। अफजाल अंसारी के सामने समाजवादी पार्टी ने यहां से अफजाल अंसारी को टिकट दिया है, हालांकि अंतिम मुहर पारसनाथ राय के नाम पर लगी। पारसनाथ राय स्कूल और शिक्षा के कामकाज से जुड़े हैं, संघ के स्वयं सेवक रहे हैं, मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं। कहा यह जाता है कि मनोज सिन्हा का जो चुनावी प्रबंधन है उसमें पारसनाथ राय की भूमिका अहम होती है। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, कभी पहली बार वे चुनाव मैदान में होंगे और उनका मुकाबला होगा 2 बार के सांसद और 5 बार के विधायक अफजाल अंसारी से। अफजाल अंसारी के साथ एक सहानुभूति की लहर भी होगी, जो हाल ही में उनके छोटे भाई जो है मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक रहे 5 बार के, उनके निधन के बाद उनको मिलनी शुरू हुई है। गाजीपुर के बाद अब चलते हैं मैनपुरी। मैनपुरी से योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यहां से समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव यहां से सांसद हैं, और एक बार फिर से उन्हीं को समाजवादी पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ से बीजेपी से अपर्णा बिष्टि यादव या फिर संघमित्रा मौर्य के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने जयवीर सिंह ठाकुर को यहाँ से टिकट दिया है। जयवीर सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री है, मैनपुरी सदर सीट से विधायक रहे हैं। अब चलते हैं मैनपुरी के बाद एक और सीट है कौशाम्बी, जहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। यहां से विनोद सोनकर को तीसरी बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 2014 में वो पहली बार यहां से सांसद चुने गए थे। 2019 में उन्होंने यहां से समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र कुमार को हराया था 42,000 वोट से, और उसके बाद 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े इंद्रजीत सरोज को हराया था 39,000 वोटों से। अब 2024 में एक बार फिर उनका सामना इंद्रजीत सरोज से हो सकता है। इंद्रजीत सरोज मंझनपुर सीट से 4 बार के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। कौशाम्बी के बाद अब चलते हैं फूलपुर। फूलपुर से प्रवीण पटेल को बीजेपी ने टिकट दिया है, 2 बार के विधायक हैं, और केसरी देवी पटेल यहां से सांसद थी, उनका टिकट कट गया। उनके बेटे भी यहां से दावेदार थे, हालांकि उनको भी टिकट नहीं मिला, और एक दावेदारी अपना दल सोनेलाल जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी उसकी भी थी, चूंकि ये फूलपुर सीट कुर्मी बाहुल्य सीट है, इसलिए यहां से माना जा रहा था कि अपना दल कोई जा सकता है या फिर जो केसरी देवी हैं उन्हीं को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। दोनों ही संभावनाओं को खत्म करते हुए बीजेपी ने फूलपुर विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक प्रवीण पटेल को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। फूलपुर के बाद चलते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद सीट से नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है और रीता जोशी का टिकट काट दिया गया है। नीरज त्रिपाठी केसरीनाथ त्रिपाठी के पुत्र है। केसरीनाथ त्रिपाठी बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, शहर दक्षिणी सीट के विधायक थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। मोदी सरकार बनी 2014 में तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे।
उनके बेटे नीरज त्रिपाठी को इलाहाबाद सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है। इलाहाबाद के बाद चलते हैं बलिया। बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कट गया है और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को टिकट मिला है। नीरज शेखर 2 बार लोकसभा सांसद और 3 बार राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं। पहली बार 2008 में बलिया से ही लोकसभा उपचुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर। 2007 में उनके पिता चंद्रशेखर की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी। 2009 में फिर से साइकिल पर सवार होकर बलिया से लोकसभा पहुंचे। 2014 में तीसरी बार सपा ने उन्हें मैदान में उतारा, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव हारे तो सपा ने 2014 में उन्हें राज्यसभा भेजा। 2019 में लोकसभा के लिए सपा ने टिकट नहीं दिया तो वो बीजेपी में शामिल हो गए और तब से वे बीजेपी से ही राज्यसभा सांसद हैं। अब एक बार फिर से उन्हें बलिया से चुनाव मैदान में उतारे, इस बार पार्टी बदल गई है, वो बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद अब चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां की आसनसोल सीट से SS अहलूवालिया को बीजेपी ने टिकट दिया है। SS अहलूवालिया फिलहाल अब आसनसोल से जो लगती सीट है वर्धमान दुर्गापुर वहां से सांसद हैं और इससे पहले वे दार्जिलिंग से सांसद चुने गए। उनका मुकाबला शत्रुघ्न सिन्हा से है। पहले इस सीट से पवन सिंह को टिकट दिया गया था, जो भोजपुरी के गायक हैं। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने अपने टिकट को वापस कर दिया था और कहा था कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आसनसोल से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करते ही बीजेपी पश्चिम बंगाल की 42 में से 41 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। जो एकमात्र सीट बची है वो है डायमंड हार्बर की, जहां से तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी 3 बार से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो इस VIP सीट पर, जो हॉट सीट कही जा सकती है, जिसे वहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की भी 2 सीटें हैं, जहां से रायबरेली और अमेठी, जहां से बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। यहां से गांधी परिवार सांसद चुना जाता रहा है और बीजेपी ने अभी तक इन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। और रायबरेली अमेठी के अलावा जो तीसरी सीट है जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं वो है कैसरगंज की। कैसरगंज से बीजेपी 6 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को फिर से टिकट देती है या फिर उनका टिकट काटती है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि पहलवानों के यौन शोषण के मामले में आरोपी पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और अपने टिकट को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त भी हैं। टिकट कटेगा या मिलेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा।